मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव फिर से एक हो गए। बंद कमरे में हुई घंटों तक बातचीत। जी हां, सिवान की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से समझौता हो गया। हिना साहेब अपने पुत्र उसामा के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से घंटों तक मुलाकात की। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब बुधवार को पटना में थी। पटना में प्रवास के दौरान उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की। लालू प्रसाद ने हिना साहेब से उनका हालचाल जाना और उनके राजनीति के आगे की योजना के बारे में जानकारी भी ली। राजद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिना साहेब से लालू यादव और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात राजद विधान पार्षद विनोद जायसवाल के आवास पर हुई। मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने हिना साहेब से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी लंबी बातचीत की। नेताओं की ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। यहां बताते चले कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना साहेब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सिवान संसदीय क्षेत्र से 3 बार अपनी किस्मत आजमा चुकी है। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। इस वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट को ना करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि जदयू उम्मीदवार से उन्हें हार मिली। हिना के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी थी कि वो राजद से नाराज है। माना जाता है कि आज की यह मुलाकात हिना की नाराजगी को दूर करने और पुराने संबंधों में आई दूरी को खत्म करने के इरादे से हुई है। यह मुलाकात पटना के बोरिंग रोड स्थित एक MLC के आवास पर हुई है। तकरीबन एक घंटे की मुलाकात के बाद राजद अध्यक्ष खुश होकर बाहर निकले। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ राजद के संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं। बता दें कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद एक साथ लालू और तेजस्वी यादव के साथ हिना साहेब की पहली है। इससे पहले RJD लगातार हिना साहेब को नजरअंदाज कर रही थी। इस लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं मिला था, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके कारण JDU की विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जीत मिली। बता दें कि सिवान और उनके आसपास के जिलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का आज भी दबदबा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद लालू परिवार को इसका अंदाजा लग गया कि ये यही वजह है कि अब राजद आलाकमान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब को मनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर हिना साहेब को मनाने में वो कामयाब हो गए तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और इस क्षेत्र में JDU की मुश्किल बढ़ सकती है। बहरहाल, इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गलियारों में हलचल मच गई है।